सभी को नमस्कार। तो दोस्तों आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। भाई आपको जैसे पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है उन सभी का तो वर्ग निकालना आता होगा, लेकिन एक जो नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर होता है उसका हम वर्ग निकालना सीखेंगे। तो सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर ही आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी है और कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाकर एक आप प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों देखो हम 16 का, तो जैसे अगर हमें कोई कहे भाई 16 का वर्गमूल निकालो तो हम उसका आसानी से 4 निकाल सकते हैं। अगर 25 का हमें वर्गमूल निकालना कहे तो उसका हम 5 आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास √17 का वर्गमूल अगर कहता है तो इसका वर्गमूल निकालो तो इसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा। तो लेकिन आप इस ट्रिक से आसानी से मतलब सिर्फ 2-4 सेकंड के अंदर ही आप फास्ट निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है भाई। जिनको पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं है उनका वर्गमूल निकालना नहीं आता उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे परफेक्ट जो स्क्वायर होते हैं उनका हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो नॉट परफेक्ट जो संख्या होती है उसका हम थोड़ा सा हमें समय लगता है, लेकिन इस ट्रिक से आपको कोई भी समय नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों इसे समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखना और वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहां से साफ कर लेता हूं। देखो हमारे पास जैसे 17 संख्या दी गई है भाई, 17 का हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है भाई इसके जो नजदीक है जो परफेक्ट जो स्क्वायर संख्या है वो हमें ढूंढनी है। तो जैसे 16 भी है 25 भी है, लेकिन 25 में और इसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा 17 के अंदर। तो लेकिन नजदीक वाली संख्या में ढूंढनी है, तो नजदीक वाली संख्या हमारे पास इसमें कौन सी है, नजदीक की संख्या हमारे पास इसमें कितना है, 16 है। तो 16 को हम यहां रख लेंगे हम इसमें। तो अब 16 का हम क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे हम। तो इसमें हमारे पास इसमें कितना आएगा, 4 आएगा। अब आपको करना क्या है, अब देखो आपको सिर्फ क्या करना है, अब 16 को और 17 को हम क्या कर देंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे। 16 और 17 को हम प्लस करेंगे कितना आएगा, इसमें हमारा 33 आएगा। कितना आएगा, 33। अब आपको क्या करना है, इसका डबल कर देना है भाई। जितना 16 का वर्गमूल आएगा उसका हम डबल कर देंगे, तो इसका डबल कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसको आपको क्या करना है, 33 को हम 8 से भाग दे देंगे, 33 को हम 8 से भाग देंगे, तो 8 छोड़ के कितना आएगा इसमें, 32। और पॉइंट लगाएंगे हम, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पांच 40, तो इसका ये आएगा। तो 4.125 इसका ये आंसर आएगा। तो है ना बड़ी गजब की ट्रिक है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा आप शेयर जरूर करना भाई। आप किसी भी मतलब जो नॉट परफेक्ट जो संख्या है उसका आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो लगभग में आएगा, अप्रोक्सीमेटली जिसको हम बोलते हैं लगभग में इसका आंसर आएगा। तो चलो हम अगली संख्या लेते हैं। अगर हमें जैसे 27 का निकालना है, अगर हमें किसका निकालना है, 27 का आंसर, 27 के आसपास की संख्या देखेंगे हम, 27 के आसपास की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितने हमारे पास इसमें, 25 है। कितना है, 25 है। तो 25 को हम क्या वर्ग निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास इसमें, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब क्या करेंगे हम, 27 और 25 को हम प्लस कर दें, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहां तक तो आपको अच्छी तरह समझ। अब इस संख्या का जो वर्ग निकला था, संख्या का हम इसमें डबल कर देंगे, तो 5 का दुगुना कितना हो जाएगा इसमें, 10 हो जाएगा। कितना आएगा, 10। अब 10 को इसमें कितना आएगा, 5.2 इसका यही आंसर आएगा। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी जाकर आप कमेंट जरूर करना भाई आपको वीडियो कैसी है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है और आप कमेंट जरूर करना भाई आपका आंसर। तो लास्ट में आपसे एक मतलब SW क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर उसका जरूर बताना। तो चलो हम अगले नंबर लेते हैं, इससे बड़े नंबर भी हम जरूर लेंगे भाई, उसका भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो सिर्फ इस ट्रिक से हम जो नॉट परफेक्ट जो संख्या है उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ 2-4 सेकंड के अंदर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर हम फास्ट करेंगे तो। तो जैसे हमें अब हमें 47 का निकालना है, किसका निकालना है, 47 का निकालना है। किसका निकालेंगे हम, 47 का निकालेंगे। तो इसमें हम नजदीकी जो संख्या लेंगे हम, तो नजदीकी संख्या हमारे पास इसमें कितने हैं, 7 × 7 = 49, तो 49 ले लेंगे हम, तो 49 यहां हम रख लेंगे। 49 का हम स्क्वायर निकालेंगे हम, 49 का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो हमारे पास इसमें कितना आएगा, 7। अब इन दोनों संख्याओं को 47 और 49 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कितना आएगा इसमें, 9 × 7 = 16 और 4 × 4 = 8 रहे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस संख्या का हमें दुगुना करना, 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
तो 14 हो जाएगा। अब 96 को हम 14 से भाग कर देंगे बीच में, 14 को 96 से, 96 को हम 14 से भाग कर देंगे, 14 छीके कितना आएगा 84, 14 छीके 84, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे हम 0, 14 अठा 112 कितना बचेगा हमारे पास इसमें 8 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे हम, 14 पांच 70 और फिर इसमें 10 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, 14 सत्ते 98, तो लगभग इसका आंसर कितना आएगा 6.857 इसका ये आंसर आएगा। तो मतलब इसका जो नोट परफेक्ट जो संख्या होती है उसका पूर्ण वर्गमूल तो निकलता नहीं है, लेकिन लगभग में उसका आंसर आएगा। तो अब हम अगली संख्या लेते हैं, आगे संख्या लेते हैं हम जैसे 61, अगर रूट हम 61 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो इसके नजदीकी जो संख्या है वो लेंगे हम, तो नजदीकी संख्या हमारे पास इसमें कितना है, इसमें है 64, कितना है इसमें 64, तो 64 को हम यहां रख लेते हैं। अब हम 64 का इसमें क्या निकालेंगे, 64 का हम इसमें निकालेंगे वर्ग, तो 64 का वर्ग कितना आएगा हमारे पास इसमें 8 आएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, हम इन दोनों संख्याओं को इसमें हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब इस संख्या का हम इसमें डबल कर देंगे, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। अब 125 को हम किससे भाग देंगे, 125 को हम 16 से भाग देंगे, अगर 125 को हम 16 से भाग देते हैं तो 16 छिके 96 में 16 सत्ता कितना आएगा 112, 16 सत्ते 112, यहाँ 3 बचेगा यहाँ 1 बचेगा, हम पॉइंट लगा लेंगे इसे, हम 0 ला लेंगे, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठाईस सौ अट्ठाईस यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 डालेंगे, 16 एकम 16, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 0 डालेंगे, 16 दूनी 32, तो यहाँ कितना बचेगा 8। सिर्फ आपको 3 पॉइंट तक इसमें काफी होता है, निकाल लेते हैं हम इसके अंदर इसका आंसर कितना है 7.812 इसका अप्रोक्सीमेटली लगभग में इसका आंसर आएगा। तो इस ट्रिक से हम किसी भी नंबर का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे आप आगे अगली संख्या लेते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसमें ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर भी जरूर करना। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक SW क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर उसका आंसर जरूर देना। अब लेते हैं हम जैसे 85 संख्या लेते हैं, अगर हमें रूट 85 निकालना है तो रूट 85 इसके आसपास की जो संख्या कौन सी है 81, तो 81 का हम यहां रख लेते हैं, 81 का हम वर्गमूल निकालेंगे, हमारे पास कितना आएगा इसमें 9, तो 9 निम्न कितना होता है 81। अब इन दोनों संख्याओं को हम इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो आपको समझना है इसीलिए मैं समझा रहा हूं, तो लेकिन हम इससे भी फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ट्रिक आ जाती है तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना इसमें बहुत ही जरूरी है। अब इस संख्या को हम प्लस कर देंगे, 5 कितना हो जाएगा 6 8 8 16 हो जाएगा। अब इस संख्या का हम डबल करेंगे तो 9 का दुगुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको हम भाग कर देंगे, 166 को हम 18 से भाग करेंगे, 18 निमे कितना आएगा 162, 18 निमे 162, यहाँ 4 बचेगा, पॉइंट डालेंगे हम, 18 दूनी 36, 4 बचेगा, फिर कितना बचेगा, फिर 18 दूनी 36, फिर 4 बचेगा, तो इस प्रकार से ये संख्या चलती रहेगी, तो 9.222 इसका आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार से हम जो अपूर्ण वर्ग जो संख्या होती है उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक कैसी लगी है तो आप जरूर बताना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। अब आते हैं मतलब आपसे SW क्वेश्चन की बारी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप जरूर बताना। तो हम लेते हैं इसके अंदर 90, इसका हम निकालना 97 का, तो 97 का इसमें आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप कॉमेंट में इसका 97 का बताना। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो के अंदर आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू।